आपकी लड़ाई वो रहेगी। लोगों हम भी इनके साथ रह करके आपकी मदद करेंगे, आपको परेशानी में नहीं आने देंगे। और जब भी हम लोग सरकार भी बनाएंगे तो घोसी जनपद का जिस तरीके से हमने और नेताजी जसवंतगढ़ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उसी तरीके से घोसी विधानसभा का विकास करने में हमारा भी सहयोग रहेगा। और जो ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान से महंगी भेजी या उत्तर प्रदेश में दी, बताओ प्रधानमंत्री यहाँ के, बताओ मंत्री यहाँ का, मऊ का, और छापे के साथ बिजली और बिजली का जो मीटर कितनी तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है, सेटिंग। और ये पूंजीपतियों से मिले हैं, केवल पूंजीपतियों से मिले हैं, और पूंजीपतियों से मदद लेते हैं। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, 5 तारीख को साइकिल का बटन इतना दबाना है, इतना दबाना, दल बदलू तारा की जमानत जब्त हो जाए। और कहीं से भी कभी भी एमएलए बन के आए तो कभी मंत्री नहीं बनते, समय बिता देना। हमें उम्मीद है कि आप लोग सरकार को इतने वोटों से जिताना, इतने वोटों से जिताना, बताओ कितने वोटों से जिताओगे? 1,00,000 से ऊपर ही जिताना। और 50,000 से ऊपर ही जिताना। जिंदाबाद। तो 24 में फिर इस देश से भारतीय जनता पार्टी जाएगी और ये अलायंस की इस हिंदुस्तान में, बताओ डरो नहीं, बेईमानों के सामने डरना नहीं, साजिशखोरों के सामने डरना नहीं। ये तिक्रम करने वाले लोग ये इतने बेईमान हैं, हमने तो देखी है सरकारें, बहुत सरकारें देखी। हम लोग सत्ता में भी रहे, हम लोग विपक्ष में भी रहे, आज तक की सबसे बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी, सबसे बेईमान। ये देश को कमजोर कर रही, संविधान को नहीं मान रहे, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ये नहीं मान रहे, ये लोकतंत्र को भी नहीं मान रहे, कानून को भी नहीं मान रहे। और यहाँ तक कि हम तो आज कई गाँव में गए, हम तो जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिली थी गए थे, घोसी के थाना अध्यक्ष घोसी के और दूसरा कौन सा थाना, कोपागंज, हमने अधिकारियों से बात करी, हमने अधिकारियों से बात भी करी है। बताइए 10,000 उनका लक्ष्य था कि 10,000 जिनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं, जिनका चरित्र अच्छा है, उनको भी लाल कार्ड, पीला कार्ड, बताइए पीला कार्ड डरना नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बस अपनी एक पर्ची और आधार कार्ड रहेगा, वो फ्लैग और पर्ची होगी, वोट वोट डालेगा। कहीं कहीं इनके शासन के निर्देश पर, मंत्रियों के निर्देश पर, अच्छा सर लोकतंत्र में मंत्रियों के आदेश नहीं चले, हम लोगों ने तो चेक किया है, गाँव गाँव हमने कहा भी है, इन बेईमानों बहुत षड्यंत्रकारी है, वे आपस में लड़ेंगे और दूसरी रिपोर्ट आपको लिखा।
देंगे, इससे दूर रहना, अगर कहीं झगड़ा हो तो बचाने भी माना, बचाने भी नहीं जाना। आप लोग समझ ही लिए हैं, BMSSP से हम लोग मिल ही लिए हैं, रामाचंद्र राजभर भी मिल लिए है, हमारे जिला अध्यक्ष भी मिल लिए हैं, हमारे और भी नेता मिल लिए हैं, हम लोग मिल लिए हैं। और उनसे हमने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा भी करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम लाइन में लग करके वोट डालेंगे, हम पार्टी और आधार लाइन लेकर के वोट करेंगे, हमारे लोग को झगड़ा भी कोई गाली भी देगा तो हम 5 तारीख तक उसकी गाली भी सुनेंगे, गाली सुन लेना, जैसे कि सुन लेना जो गाली देते हो, जब हम लोग गाली नहीं देते तो नीचे पास वापस नहीं, बेईमानों के पास बाई ये षड्यंत्रकारियों के साथ गाली चली जाएगी, गाली चिपटेगी नहीं किसी को, गाली भी सुन लेना, बहुत कुछ कर सकते हैं, केवल आपको वोट डालना है, हम तो ऐसे ही नहीं है, अगल बगल वोट डालना और 5 तारीख को 5 तारीख को